Lovely is happy family and very very beautiful is mahol jeda. नमस्कार दोस्तों, आप देखने लग गए हरियाणा डेली पोस्ट और मैं अंकुर ग्रोवर नरवाना फिलहाल है जो गांव तारखा में है, जो 10 साल बाद है एक बेटी का जन्म हुआ है जिसको जो सभी जो एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि अब बेटियों को दूसरी निगाह से देखा जाता है, लेकिन अब जो बदलाव है वो तब्दीली है वो समाज में आई है और बेटी 10 साल बाद जो पैदा हुई है उसको है जो सेलिब्रेट कर रहे हैं और सभी को है जो आशीर्वाद देना है कमेंट सेक्शन में। तो बात करते हैं सीधे, राम राम ताई, नू सुने है 10 साल बाद बेटी। हाँ, वही है। अच्छा, कितनी हाँ, खुशी है आपको? बहुत गणी खुशी है, मतलब बहुत गणी। अच्छा, हाँ, जब पहला लड़की पैदा हो जगर दी बुना हम कर लेंगे ना, मैंने जमा नहीं करया, मैं तो जमा खुश जमाए। अच्छा, मैं तो जमा मतलब सा चढ़या, मेरे तो हो गया इतना भाई, नुकर लेकर दी। हां हां, करया कर दी पहला तो। अच्छा, मैंने बहुत सा चढ़या, मतलब लड़की होई है लड़का नहीं होया इसमें कोई आपने फर्क लग गया? ना कोई फर्क नहीं, परमात्मा का अगर एक चीज है सारे। अच्छा, आप क्या चाहते? खुशी हो। एक मिनट, सच्चे दिल से बताना, आपकी जब बहू प्रेग्नेंट थी आपके दिल में क्या चल रहा था, दिमाग में बेटा चाहिए या बेटी चाहिए? मन तो न्यू चाहिए था, अभी मेरी बहू का चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मन तो लड़की चाहिए, भी मेरा राह खुल जाएगा। अच्छा, मैं जमा खुश थी। हाँ, ये बड़ी सच्चाई ईमानदारी से बोल रही हूँ, जमा ईमानदारी था बोल रही हूँ, मन तो नहीं होता, अभी मन तो चपोती है मिल जो। अच्छा, जमा ईमानदारी था बोल रही हूँ, गाड़ गंगा में खड़ी। आप कोई फर्क नहीं समझ ना, जमा फर्क नहीं मेरा, समझना भी नहीं चाहिए ना, मैंने समझा भी कोई नहीं, मैं तो जमा खुश हूँ। तो आज जो बेटी पैदा हुई है जी, मतलब क्या जो जश्न मना, कैसी खुशी महसूस कर रहे हो? बहुत खुशी मना रहे हैं जी। अच्छा जी, हाँ जी। ये सोच किसकी थी प्रोग्राम किया जाए बेटी के? मेरी सोच, मेरे घर वाले की सोच थी जी। अच्छा जी, हाँ, मतलब प्रोग्राम किया जाए। हाँ, ऐसा लड़का होने पे होता है ना, लड़कियों पे भी किया जाता है जी, लड़कियों जाता है। हाँ, लड़कियों पे भी किया जाता है जी। अच्छा जी, जब बेटी पैदा नहीं हुई थी उससे पहले आपके मन में क्या था कि बेटी पैदा हो या लड़का पैदा हो क्या करेंगे, मतलब ऐसी जी? मैं तो दो ही चीजें में खुशी थी जी, साथ दोनों या कुछ भी हो प्रोग्राम करेंगे। हाँ, प्रोग्राम करेंगे जी। अच्छा, ये भेदभाव नहीं मानते आप? हाँ जी, ना भेदभाव मानना भी नहीं चाहिए ना, मानना जी खुशी मानते लड़के की जमाए। आपका जी? मेरा नाम जगशीर सिंह है। कौन सा गाँव है? तारखा जी। ये सुनने में आया कि आपके घर में मतलब आप पे कोई संतान नहीं थी पहले? नहीं जी, मेरे पहले 10 साल पहले कोई संतान नहीं थी, क्योंकि मेरे तो ये लड़का वर्गी हुई है जी, पहली लड़की है जी। मतलब खुशी है? खुशी है जी, जब ये जश्न मनाया जा रहा है जी। ठीक है। अच्छा, वीडियो कास्ट वाले बुला रखे, सभी बुला रखे जी, मेरे शादी जैसा प्रोग्राम कर रखे, रिश्तेदारी सभी सभी हां जी, सभी सभी आ रहे जी। अच्छा, हां जी, सभी आ रहे। ये सोच किसकी थी भाई, कार्यक्रम इस तरह से किया जाए? ये सोच मेरी थी जी। आपकी? हां जी। क्यों क्यों थी आपकी ये जी? मेरे तो लड़का वर्गीय जी। अच्छा, लड़के के समान दर्जा देने? समान दर्जा। अच्छा, आपकी माताजी ने कुछ कहा? नहीं जी, मेरी माताजी को बहुत खुशी है जी, मेरे घर वाले को बहुत खुशी है, मेरे पिताजी का आदरंग और उसके भी बहुत खुशी है। सिस्टर तो नहीं आप? सिस्टर एक है जी मेरे। उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? नहीं जी, कोई प्रतिक्रिया नहीं जी, कोई प्रतिक्रिया कई बार पे गए देख रहा है? नहीं जी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो लोग बेटियों को लड़कों से कम समझते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जी? मैं तो यही बात है आज जोड़ के यही नरम निवेदन करते हैं, लड़का कोई जरूरी नहीं जी, लड़की सबसे बेस्ट है। मैं तो हर इंसान को यही बात बोल दूँ, मैं घर में एक लड़की तो होनी बहुत जरूरी है और सभी प्रोग्राम करें। तो ये नारा सबके लिए, बेटी या बेटों से कम नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बेटी सबको सम्मान दर्जा देना चाहिए, कोई कम नहीं है जी। बिल्कुल, बेटी एक कुल चलाती है। हाँ जी, कुल चलाती है जी, इनके बिना अपना क्या है? कई वंश चलाती है। हाँ जी, हाँ जी, ये जो आपने जन्म लिया होगा वो भी किसी की बेटी है जी। बिल्कुल ठीक है जी, बेटी सबसे प्यारी है जी, इसलिए मैं सबको यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ जी, किसी के घर पे कोई गुड़िया होनी चाहिए प्रोग्राम करे बहुत बहुत बड़ी कोई बात करना। अच्छा, अरे एक और बड़ी बात, जो लोग इस सोच के होते हैं कि बेटियों को कोख में मरवा देते हैं, भ्रूण हत्या, वो तो मैंने बहुत गंदे लगे जी। अच्छा, मेरे तो नजर से बहुत दूर गंदे लगे जी। अच्छा, उनके लिए मैसेज ये है जी, मैं कहूँ उन लोगों को गोली मरवा दी जानी। बहुत बढ़िया सोचा। आ जाओ, मेरा नाम मनु। आप क्या लगते हैं? मैं जो बेटी हुई है उनकी, आप मौसी जी हूँ जी मैं उसकी। हाँ जी, मेरा मैसेज यही है कि हमें समाज में लड़कियों का अत्याचार नहीं करवाना चाहिए, ठीक है? और जब हम लड़की की शादी करते हैं उस पर लड़कों की तरफ से भी बहुत अत्याचार किया जाता है, समाज में ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। कम से कम हमारे घर में दो या दो बेटी जरूर होनी चाहिए, अगर दो नहीं हो तो एक बेटी जरूर होनी चाहिए चलाने के लिए। हाँ जी, मैं भी सिस्टर हूँ जी। सिस्टर है? मौसी जी। खुशी महसूस करो? बहुत खुशी है, हमें भी 10 साल के बाद मेरी सिस्टर की लड़की हुई है, हमें बहुत खुशी है इस बात की।
और हमें यही प्रोग्राम इसीलिए किया गया है कि हमारे घर में बेटी आई है। पहली हमारे लिए बेटी बेटी नहीं है, हमारे घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी आई। हाँ जी। तो गर्व महसूस कर रहे हो? हाँ जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम लड़की को भी आप लड़के जैसे दर्जा देंगे। मासी, मासी जी, हाँ जी, कैसी खुशी महसूस कर रहे हो? इज बहुत वेरी 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 हैप्पी इज एंड द लवली इज हैप्पी है फैमिली एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल इज माहौल जेड़ा कीता है ओ। आप पंजाब से हो? हाँ जी, हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, पंजाब बीच इंग्लिश बड़ी अच्छी लगी आपकी। थैंक यू जी, थैंक यू। लेकिन चलो चलो, ये अपनी हरियाणा की भी मिक्स होगी इसमें सारी बातें। थैंक यू। शुभ नाम आपका? रितु जी। रितु जी, हाँ जी। सबर सबको नमस्कार जी। मामले बहुत खुशी है जी, लड़की हुई है जी, मारे मेरे पे नहीं है लड़की जी, मेरी बहन भी है के है जी। अच्छा। इसलिए मैंने बहुत खुशी है जी, सारे धूमधाम से, सारा बदगाम जी धूमधाम से, बहुत शो कर रहे हैं जी। ठीक है जी, बहुत जोशन जमा जशन मना रहे हैं जी। मामी जी हैं जी। आप इनके मामी जी? मामी जी, हाँ जी, बहुत खुशी है सानू जी। अच्छा अच्छा। हाँ, गुड़िया हुई है, बहुत खुशी है। 10 साल बाद जी। 10 साल बाद हुई है? हाँ जी, 10 साल बाद गुड़िया हुई है, बहुत खुशी है जी सानू। हाँ जी, आप क्या कर? हाँ, बहुत खुशी है जी, हमारे लड़की भी आ जी, मेरे 2 लड़के है, क्यों बहन आएगी जी, बहुत खुशी है। हम नबी नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ नारा दिया था, बहुत खुशी है जी। हमने थैंक यू। सुनीता रानी जी, खुश रहना भी चाहिए क्योंकि आपका बेटा बेटी हमें पहले भी फर्क नहीं है समझ रहे, लेकिन अब पढ़े लिखे हो। गांव तरखा से आप हरियाणा डेली पोस्ट के माध्यम से रिपोर्ट देख रहे थे। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अवेयरनेस की जरूरत है और अवेयरनेस के लिए वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो किसी से कम नहीं हैं। उनको हम दूसरी आँख से देखते थे कि ये सिर्फ चूल्हा चौका तक ही सीमित है, लेकिन आज जो जो बेटियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो चांद तक जा रही है, वो अच्छी अच्छी मॉडलिंग बन रही है, एक्ट्रेस बन रही है, इंजीनियरिंग वो बन रही है, और गोल्ड मेडलिस्ट वो लेकर है, जो बेटियाँ लेकर आ रही हैं। तो लड़का लड़की है जो बराबर है, उसको समझना चाहिए, उनको है जो इज्जत भरी निगाह से हमें देखना चाहिए। तो तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर रखिएगा।